फटाके मत लेना। अगर मैं सो गया तो चिंता मत करना, आप भी सो जाना पर फटाके मत लेना। बस पौने एक बजे कोई जगह दे रहा है भाई, टाइम हो गया फिर हम घर पे जाएंगे। कुछ वचन में जाने के पहले हम थोड़ा बात करें अन्य भाषा के बारे में। कोई मेरे लिए एक कुरिन्थियों का 14वां अध्याय खोलेगा, हम थोड़ा सा आराधना के बारे में बात करेंगे और फिर हम वचन में जाएंगे। और 15 इस कारण जो अन्य भाषा बोले हाँ तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। ओके, अगर कोई अन्य भाषा में बात कर रहा है तो प्रार्थना करे कि उसका कोई अनुवाद भी करे। किसका किसका अनुवाद करे? अन्य भाषा का अनुवाद करे। ओके, 14 वचन। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। जो अन्य भाषा बोल रहा है उसकी आत्मा प्रार्थना कर रही है। आगे, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। परंतु ये जो अन्य भाषा में जो प्रार्थना हो रहा है ये बुद्धि से कुछ जुड़ा हुआ नहीं, ये आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो आत्मा वर्किंग है परंतु बुद्धि को कुछ पता नहीं चल रहा है, ये उसी आदमी का है जो अन्य भाषा कर रहा है। आगे, तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना। ओके, आगे। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हाँ, 16 भी पढ़ लीजिए। नहीं तो यदि आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तो तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर करेगा। ओके, अगर कोई अन्य भाषा बोल रहे हैं और खाली उनके आत्मा और परमेश्वर को ही पता है कि वो अन्य भाषा का मतलब क्या है, बाकी के कलीसिया के लोगों को मालूम नहीं, तो हम आमीन कैसे कहेंगे? वहाँ पे यही लिखा है ना, तो लिखा है आत्मा से भी प्रार्थना करो बुद्धि से भी प्रार्थना करो। तो कहीं ना तो कहीं जब हम स्तुति आराधना में होते हैं तो हम सबको थोड़ा सा चौंकना रहना है। आगे हम पढ़ेंगे, बस 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 आंटी 15वें वचन का हम जाएंगे, नहीं 14वें अध्याय का 13 से नहीं नहीं 27 से पढ़िए। 27 हाँ, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। ओके, तो अन्य भाषा अगर हम बोल रहे हैं मतलब ये अन्य भाषा एक्चुअली सबके लिए है। हर एक व्यक्ति जो यीशु में विश्वास करता है, जो बपतिस्मा लेता है, वो अन्य भाषा उन सबके लिए। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सबके सब अन्य भाषा ना बोले, अगर बोल भी रहे तो बारी बारी से बोले और दो या तीन लोग ही बोले। और लिखा है कि एक व्यक्ति उसका अनुवाद करे, इंटरप्रिटेशन बोलते ना, मैं जो बोल रहा हूँ मेरा बोलने वाला उसका तो कोई अनुवाद कर सके तभी उसका मतलब है। आगे आगे पढ़िए आंटी। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला हाँ कलीसिया में शांत रहे और अपने एक मिनट फिर से पढ़ना। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे के क्या करना चाहिए? और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। अगर हमारे कलीसिया में अनुवाद नहीं है, अन्य भाषा का अनुवाद नहीं है, तो बाइबल बताती है कि अपने मन से और परमेश्वर से बातें करना चाहिए। हम क्या बात कर सकते कि परमेश्वर जो मैं अन्य भाषा बोलूं उसका अनुवाद करने वाला हमारे बीच में से तू तैयार कर। समझ में आ रहा है? ये हम सब के लिए। देखो आगे आप पढ़ोगे। हाँ, भविष्यवक्ताओं में से दो या तीन
शेष लोग उनके वचन को पढ़ते। ओके, कभी कभी भविष्यवाणी आती है ना, तो जब भविष्यवाणी आती है ना, तो भविष्यवाणी को भी जब दो या तीन बोलते हैं तो बाकी के लोग क्या करना चाहिए, परखे वचन को, परखे कैसा परखना है, ये भविष्यवाणी वचन से जुड़ा हुआ है क्या, या ये व्यक्ति अपनी सोच लेकर आया है। ध्यान देना है यहाँ पे, हर एक जो दर्शन या भविष्यवाणी है हो सकता है कि हमारे सोच से भी हो। अभी जैसे धन्ना ने बोला, उसने सपना देखा है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरा पूरा परमेश्वर की ओर से होगा, क्योंकि उसने सपना तो देखा लेकिन उसमें से अर्थ क्या निकलता है वो हम, हमारा भविष्यवाणी और हमारा अनुवाद क्या बोलते हैं, अधूरा है, सिद्ध नहीं है। वी आर नॉट परफेक्ट, आप और हम सिद्ध नहीं है अनुवाद करने में या भविष्यवाणी को परखने के लिए। समझ में आ रहा है आगे? परंतु यदि दूसरे पर जो बैठता है हाँ कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चूत हो जाए। हाँ आगे, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। आगे, और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। क्या कहता है? परंतु परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं शांति का परमेश्वर है। हमारा जो आत्मा का वरदान के को जब हम इस्तेमाल करते हैं या हम कलीसिया में हैं, तो हम सबको थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए, थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। अगर हम में से कोई वचन पढ़ रहा है तो वो एक लंबा पैसेज ना पढ़े, सिर्फ दो वचन पढ़े, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ अनुशासन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बाइबल से आधारित है। यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, शांति का परमेश्वर है। आपने लंबा खाता पढ़ लिया लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आया, तो आपका पढ़ के जो उसका क्या बोलते हैं महत्व है वो है ही नहीं। अगर आपने दो वचन ही पढ़ा तो वो दो वचन को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं बुलंद आवाज परंतु धीमी से, ताकि आपके प्रार्थनाओं को जब लोग सुन रहे हैं, आपके वचन को जब आप लोग सुन रहे हैं, तो वो लोग भी आमेन कहें। पढ़ा आपने है, प्रार्थना आपने किया है, लेकिन उसका फल